गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ विंटर के लिए जैकेट लेके आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड कुछ मैंने पफर जैकेट मंगाई है एंड कुछ मैंने लाइक नॉर्मल जैकेट भी है, कुछ डेनिम वाली जैकेट भी है। तो जो भी होगी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो विदाउट किसी टाइम लेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, तो जितनी भी मैंने जैकेट परचेस की है सारी मैंने 400 से 1000 के बीच में लिए, कोई इससे ज़्यादा की नहीं है। और जो भी इनका प्राइस वगैरह होगा वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इनकी जो भी डिटेल होगी। अदरवाइज मैं बाकी सारा आपको यहाँ पर भी बता दूँगी। सो अब मैं अपने फर्स्ट जैकेट दिखाती हूँ आपको। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट जैकेट है जो कि मैंने बर्गंडी कलर में परचेस की थी। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो भी प्राइस होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो मैंने मीडियम साइज़ परचेस किया था। वैसे नॉर्मली मुझे स्मॉल साइज़ आता है, बट मैंने क्योंकि थोड़ा जैकेट था तो इस वजह से मैंने इसे मीडियम साइज़ में परचेस किया। कुछ मैंने स्मॉल भी परचेस किए, तो आप देख सकते हैं लाइक कौन सा मेरे पे ज़्यादा बेटर सूट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी परचेस कर लीजिएगा कि लाइक आपको एक साइज़ ज़्यादा बड़ा लेना चाहिए या फिर नॉर्मल लेना चाहिए। तो मैंने मीडियम साइज़ में परचेस किया था एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पूरे में लाइक अंदर की तरफ इसमें पूरा फॉर्म भरा हुआ है और ऊपर से पूरा पिन्नी का मटेरियल है, तो इसमें आपको ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, लाइक अंदर हवा बिल्कुल भी पास नहीं होगी। इस जैकेट में आपको 2 पॉकेट्स में मिल जाएंगे साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, तो काफ़ी अच्छा भी है ये। एंड इसकी जो जिपर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिपर ओपनिंग मिल जाएगी आपको फ्रंट साइड पे। तो लाइक इसका जो ट्रायल होगा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा लगता है पहनने के बाद। तो अब मैं आपको अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। एंड ये हमारी नेक्स्ट जैकेट है जो कि मैंने अगेन क्रॉप में परचेस की थी। एंड ये बास्केट है बेसिकली, इसमें लाइक आपको स्लीव नहीं मिलेगी, तो ये बास्केट है। एंड फ्रंट साइड पर इसमें भी आपको ये जिपर ओपनिंग मिल जाएगी, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड आई थिंक जो मैंने पिछला वाला जो परचेस किया था वो भी टोक्यो टॉकीज से परचेस किया था एंड ये वाला भी उसी से परचेस किया है, तो इन सब की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगेन यहाँ पे इसका जो ऊपर का मटेरियल है ये पूरा पिन्नी का है, अंदर से इसके अंदर फॉर्म लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कुछ इस तरीके का लगता है। इसका जो मैंने कलर परचेस किया है वो मैंने पाउडर पिंक कलर में परचेस किया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। एंड इसमें भी आपको फ्रंट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको ये पॉकेट्स मिल जाएंगे, काफ़ी स्पेशियस है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसका जो ट्रायन वगैरह होगा आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं लाइक पहनने के बाद कैसा लगता है ये। एंड इसका भी मैंने मीडियम साइज़ परचेस किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक पहनने के बाद ये कैसा लगता है। मुझे एकदम परफेक्टली फिट आ रहा है, लूज़ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एंड येस, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप उसे परचेस कर सकते हैं। एंड येस, अगर आप इस जैकेट को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस वगैरह होगा वो सब आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके लिंक पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी डिटेल होगी, प्राइस वगैरह या फिर इसका जो फैब्रिक होगा सब आपको वहीं पर मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट जैकेट है जो कि मैंने ग्रीन कलर में परचेस की थी। एंड इसका साइज़ मैंने मीडियम साइज़ परचेस किया था जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से फिट आ रहा है। एंड यहाँ पे आप ट्रायल चेक कर सकते हैं कि लाइक पहनने के बाद कैसा लगता है, तो मुझे लूज़ नहीं लग रही। एंड ऑफकोर्स अगर लूज़ होगी भी तो आप क्योंकि लेयरिंग करते हैं सर्दियों में, तो उसके लिए एकदम परफेक्टली फिट आता है ये। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की ये जैकेट लगती है। ओके, तो यहाँ पे आप फ्रंट साइड पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको ये जिपर मिल जाएगी जो कि पूरी स्टील की है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। एंड यहाँ पे फ्रंट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएंगी, दोनों साइड पे इस तरीके की आपकी पॉकेट मिल जाएंगी। इसका जो फैब्रिक है वो पूरा डेनिम का है और थोड़ा सा लाइट वेट है, तो लाइक नॉर्मल सर्दी है ना, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है ये। लाइक ज़्यादा ठंडी होगी तो उस टाइम पे आप इसे नहीं कैरी कर सकते हो, तो लाइक नॉर्मल सी सर्दी के लिए एकदम बढ़िया है ये। एंड यहाँ पे आप देखेंगे लाइक स्लीव जो है ना, स्लीव के एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे आपको वेस्ट पे वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, हाँ, इलास्टिक मिल जाएगी। एंड इसके जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे भी आपको ये इलास्टिक मिल जाएगी, तो लाइक सर्दी जाने का कोई भी चांस नहीं है, तो एकदम काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका जो प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसका, तो जो भी ट्राउन वगैरह होगा आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट जैकेट दिखा देती हूँ। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट जैकेट है, एक्चुअली जैकेट नहीं बास्केट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में इसके इस जैकेट की आपको जिपर मिल जाएगी जो कि पूरी प्लास्टिक की है। एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आपको स्लीव वगैरह नहीं मिलेंगी। एंड इसमें फैब्रिक की बात करें तो इसका जो ऊपर से मटेरियल है ये पूरा पिन्नी सा जो होता है वो है, अंदर की तरफ इसमें फॉर्म भरा होता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, सर्दी जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड क्रॉप में है, आप चाहे तो लाइक लॉन्ग फुल साइज़ जो होता है ना वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक मैंने वो भी ऑर्डर किया, वो भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ज़्यादा मोस्टली मैंने सारी क्रॉप में परचेस किया, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। एंड काफ़ी लाइट वेट भी है, तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके साइज़ की बात कर ले तो इसका साइज़ मैंने स्मॉल साइज़ परचेस किया था। तो आप देख सकते हैं लाइक मैंने पहली जो जैकेट है मैंने स्मॉल में परचेस किया, बाकी जितनी भी है सारी मैंने मीडियम में परचेस किया। तो आप ट्रायल देख के कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक मीडियम वाली ज़्यादा अच्छे से फिट आ रही है या फिर स्मॉल में आती है, क्योंकि मुझे नॉर्मली जो साइज़ आता है जितने भी कपड़े होते हैं उन सबका स्मॉल आता है। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक कौन से अच्छे से मुझे फिट आ रही है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। अब इसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट जैकेट दिखा देती हूँ। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट जैकेट है जो कि अगेन मैंने ब्लू कलर में मंगाई है। एंड इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है, बट पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी सी लग रही है ये, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सी है ये। बाकी इसका जो साइज़ है वो मैंने क्रॉप साइज में मंगाया है। यस, एंड ऊपर की साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ओपनिंग है वो पूरी इस तरीके की टिच बटन वाली ओपनिंग है। इसकी लाइक जिपर नहीं है, इसमें आपको इस तरीके की टिच बटन मिल जाएंगे, इस तरीके का ओपनिंग है। एंड फ्रंट साइड में आपको दोनों साइड यहाँ पे इस तरीके की पॉकेट मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड जैसे नॉर्मल जितनी भी जैकेट के मैंने साइज देखे उसमें आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर पिन्ने की मिल जाएगी, अंदर की तरफ यहाँ पे आपको फोम मिल जाएगा। यस, फोम मिल जाएगा आपको, तो इसमें आपको सर्दी वर्दी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी। एंड ये पूरी इस तरीके की स्लीव है इसकी, आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छे से परफेक्टली फिट आ रहा है। यहाँ पे ट्राउन वगैरह आप देख सकते हैं कि कैसा लगता है ये पहनने के बाद। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप कोई सा भी चेकआउट कर सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसे फुल साइज़ में मंगाया था, बट पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ी सी क्रॉप में लग रही है, बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पे आप टॉन वगैरह देख सकते हैं कैसा लगता है पहनने के बाद। एंड इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस वगैरह जो भी होगा आपको यहाँ पे मैं लिख दूँगी, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसका जो भी प्राइस होगा। बाकी अदर डिटेल्स जो भी होंगे आपको सब वहीं से मिल जाएंगे, लिंक पर क्लिक करते तो जो भी होगा आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड यस, अगर आपको इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।